price of tea increased by 32%. Therefore, the expenditure on tea increased by 10%. If 10 kg tea was bought earlier, then what is the quantity can buy now? देखो सिंपली क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. प्राइस में कितने का चेंज है? 32% का. इट मीन्स अगर इनिशियल प्राइस 100 था तो फाइनल कितना हो गया है? 132. क्वांटिटी को एज इट इज क्यू रहने दो. एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज है, तो जो एक्सपेंडिचर पहले 10 था अब वो हो जाएगा 11. फोर्थ इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 33, और फोर्थ इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 25. 11 से ये 3, 5 से ये 2 और 5 से ये 5. दैट इम्प्लाई Q का वैल्यू आएगा 5/6. इट मीन्स अगर पहले आप 6 यूनिट खरीदते थे तो अब 5 यूनिट खरीद पाओगे. शुरू में 10 के जी आप खरीद रहे थे तो 6 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/6. तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/6 × 5. दैट इम्प्लाई 50/6. That imply 25/3 kg. और यही हमारा क्या होगा आंसर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड.